Yando, in a hydrogen atom, the electron is moving in a circular radius. Hydrogen atom, electron moving in a circular orbit of radius 5.3 cross 10 raised to minus 11 meter with a constant speed 2.2 cross 10 raised to 6 meter per second. The electric current formed due to the motion of electron is. सबसे पहले आपको रेडियस दिया गया. Now what radius को कैसे represent करेंगे? R equals to कितना into 10 raised to 11. That is the radius. Or speed in the orbital 10 raised to positive meter per second. Now आपको करंट फाइंड करना है. करंट I equals to Q by T. But इलेक्ट्रॉन है तो Q equals to क्या लोगे? E. अब T के लिए क्या करोगे? स्पीड दिया है 2 pi R by T. इसलिए T equals to 2 pi R by B. And therefore I equals to Q की जगह पे E और T की जगह पे 2 pi R divide by V वाला V कहाँ चला जाएगा? Upside. तो आप EV by 2 pi R करके डायरेक्टली अंदर सकते हो. तो E is 1.6 cross 10 raised to minus 19. V equals to 2.2 cross 10 raised to 6. 2 का 2, pi का 3.14. Now what is the R? 5.3 cross 10 raised to minus 11. 0.105 cross 10 raised to minus 1.06 57 को 6 कर दिया. Then cross 10 raised to minus 3. That much ampere, that is equals to 1.06 milliampere. MCQ 2. Ring of radius R, ion linear charge density lambda, on its surface is performing rotational motion about axis perpendicular to its plane. If angular velocity of the ring is omega, how much current is constituted by the ring? Ring से कितना current form होगा? अब यहाँ पे भी वो rotational motion कर रहा है. I find करना है आपको. I equals to Q by T. अब कौन rotational motion कर रहा है? Electron. Clear है? नहीं. Electron नहीं है. एक ring है जिसका charge density कितना है? Lambda. तो अगर उसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो लैम्डा लैम्डा इनटू क्या करना पड़ेगा? लेंथ. अब रिंग का लेंथ क्या होगा? उसका सरकमफेरेंस. क्लियर से? क्लियर है? सरकमफेरेंस जो है वो एक पूरा वायर होगा. ब्रेक कर दोगे तो लेंथ बन जाएगा, मोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? सरकमफेरेंस. तो लेंथ कितना हुआ वायर का? 2 पाई आर. और उसका चार्ज डेंसिटी कितना था? लैम्डा. तो लैम्डा इनटू लेंथ करोगे तो आपको क्या मिलेगा? टोटल चार्ज क्यू. अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो. क्लियर हो गया यहाँ तक? एंड सेकंड थिंग, आपको क्या फाइंड करना है? टी. अब यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से जाएंगे. वन अपन टी इक्वल्स टू एफ. नाउ क्यू की जगह पे रख देते लैम्डा इंटू टू पाई आर और वन अपन टी की जगह पे क्या रख देते एफ. बट एज यू नो दैट 2 पाई एफ इक्वल्स टू ओमेगा, क्योंकि मुझे जाना है ओमेगा पे. एफ तो मुझे दिया नहीं है ना. 1 अपॉन टी दैट मींस 1 अपॉन टाइम फ्रीक्वेंसी. 2 पाई एफ इक्वल्स टू ओमेगा. सो व्हाट इज एफ? ओमेगा अपॉन 2 पाई. सो लैम्डा 2 पाई आर एफ की जगह पे ओमेगा अपॉन 2 पाई. 2 पाई 2 पाई लैम्डा आर इनटू ओमेगा. Lambda equals to linear charge density Q by L. So Q equals to lambda into L. So length of the wire. वो पूरा ring बना हुआ है तो circumference हो जाएगा ना. Third one. A cell supplies current 0.9 ampere through 2 omega resistor
एंड करंट ऑफ 0.3 एम्पियर थ्रू 7 ओमेगा रेजिस्टर्स. अब ध्यान देना, वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर दैट इज एप्सिलॉन माइनस आई आर. वोल्टेज दैट इज आई कैपिटल आर. अगर हमने बैटरी के साथ कैपिटल आर रेजिस्टेंस ज्वाइन किया हुआ है तो वोल्टेज कितना होगा, वी इक्वल्स टू आई आर एप्सिलॉन माइनस आई आर. अभी आपके पास दो केस है, व्हेन योर करंट इज, पहले कितना करंट दिया है 0.9 एम्पियर, व्हेन योर करंट इज 0.9 एम्पियर योर रेजिस्टेंस इज ओमेगा. एप्सिलॉन आपको पता नहीं है, हाँ अगेन करंट पता है कितना है 0.9, बट इंटरनल रेजिस्टेंस आपको पता नहीं. सेकंड केस में करंट आई की जगह पे 0.3 रखा, तब रेजिस्टेंस कितना था 7, एप्सिलॉन पता नहीं है, 0.3 इज योर करंट, अगेन इंटरनल रेजिस्टेंस पता नहीं है. व्हाट डू यू हैव टू फाइंड आउट, इंटरनल रेजिस्टेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस को बचा के रखना है, इसको कट करना है, तो माइनस कर दिया, माइनस का प्लस कर दिया या फिर माइनस कर दिया. बट एक काम करते हैं, इसका सिंप्लीफिकेशन इधर ले लेते हैं, 2 × 0.9 और 7 × 0.3 2.1, तो सिंप्लीफिकेशन ले लिया, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, एप्सिलॉन एप्सिलॉन कट, माइनस 0.9 प्लस 0.3 माइनस 0.6 आर, 1.8 माइनस 0.3 माइनस माइनस आर इक्वल्स टू 0.3 अपॉन 0.6 आर इक्वल्स टू 0.5. The cross-section area of the plan shown in the figure is equals to 1 centimeter square. जो cross-section area है वो कितना है? 1 centimeter square. 2 ampere current flows through the conductor. Conductor में से कितना current ampere? कितना current pass हो रहा है? 2 ampere current pass हो रहा है. The current density at point P in the conductor will be. आपको पता लगाना है कि what is the current density? सबसे पहले तो एरिया कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, 10⁻², सेंटीमीटर टू मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और स्क्वायर है तो 10⁻², का स्क्वायर कितना होगा 10⁻⁴. क्लियर? और आई कितना करंट पास हो रहा है, 2 एम्पियर. नाउ आपका करंट जो है, आप फिगर में देखोगे तो आपका करंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करंट है. एंड ध्यान देना, आपका जो प्लेन है वो ऐसे डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में कितना एंगल बना हुआ है, 60. नाउ आपको पता होगा कि आई इक्वल्स टू जी ए कॉस थीटा, जा कॉस थीटा. क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे ये जो एंगल है वो किसके किसके बीच में होगा, जे और ए के बीच में, जे का डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होता है, तो यही हुआ, आई और ए के बीच में एंगल चाहिए. तो इस प्लेन को एरिया वेक्टर कैसे मिलेगा, एरिया वेक्टर ऑलवेज प्लेन को क्या होता है, परपेंडिकुलर. तो मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, मतलब कि ए एंगल भी कितना होगा, 90 का, ए 60 का, तो एंगल कितने का होगा, 30 का होगा, 90 60. तो अभी कितना बचा, 30, 180 होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, 180. अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो गया, 30, मतलब कि ये जो ए वेक्टर है और यहाँ पे जे वेक्टर होता है इस डायरेक्शन में, तो ए और जे के बीच में कितना एंगल बन रहा है वो सोचना है, 60 मत ले, 60 लोगे आंसर नहीं आएगा. देन प्लान ऐसे होता है, तो प्लान ऐसे होता है तो प्लान का जो एरिया वेक्टर होता है वो उसको परपेंडिकुलर होता है, और योर इलेक्ट्रिक करंट इज लाइक दिस वन. एरिया वेक्टर और यह है एरिया वेक्टर और यह है इलेक्ट्रिक करंट, उसके बीच में कितना एंगल बन रहा है वो फाइंड करना है. और आपको दिया कौन सा एंगल है, प्लेन और इलेक्ट्रिक करंट, वो नहीं चाहिए. देन तो जो 60 दिया है वो नहीं चाहिए, 90 में से कट करोगे कितना आंसर आएगा, 30. तो आपको 30 से काम करना है, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, जे फाइंड करना है, आई बाय ए कॉस थीटा, आई कितना है 2, ए कितना है 10⁻⁴, कॉस 30 √3/2,
फोर अपॉन रूट थ्री इंटू टेन रेज टू ऐसे दिया हो बता दो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अगर प्लान ऐसे ओके अब ये एंगल कितने का है 90 से बड़ा होगा ओके बट यू कैन एज्यूम दैट सपोज ए एंगल 60 दिया गया एट दैट टाइम आप ऐसे 90 ड्रॉ करोगे तो दिस वन इज 60 अगेन 30 आएगा एंगल इज सेट बन रहा है देखो देखो यहाँ पे तो ए एंगल तो पता ही है आपको कितना है 60 आप इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन ड्रॉ करोगे तो ये आपका एरिया वेक्टर हुआ अब एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में और करंट इस डायरेक्शन में ए 90 अगेन ए 90 90 60 तो अभी ये एंगल कितने का बचेगा डन ऐसे भी दिया होता तो 30 हो गया ओके आपको कंडक्टर में ऐसे ड्रॉ करके दे सकते हैं ये वाला एंगल 60 कर लेंगे क्लियर है तो अ करंट डेंसिटी 2.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन अ कंडक्टर when an electric field is 5 cross 10 raised to minus 8 volt per meter is applied across it, the resistivity of conductor, आपको find करना है कि conductor का resistivity क्या है, तो सबसे पहले current density को क्या बोलेंगे, कितना है, ampere per meter square, now दूसरा क्या था, electric field E कितना है, वोल्ट पर मीटर नाउ आपको रेजिस्टिविटी फाइंड करना है तो यहां पे आएगा वेक्टर लो ऑफ कूलम्स इसको याद है वेक्टर लो ऑफ कूलम जे इक्वल्स टू सिग्मा इनटू ई माइंड वाला फॉर्मूला याद है कूलम्स लो इन सॉरी माय मिस्टेक कूलम्स लो इन वेक्टर फॉर्म नहीं ओम्स लो इन वेक्टर फॉर्म कूलम्स लो बोला दैट इज रॉन्ग So that is equals to sigma equals to J upon E. But हमें resistivity चाहिए तो 1 upon sigma equals to E by J. और 1 upon sigma को हम resistivity बोलते हैं. Okay? E कितना है? 5 cross 10 raised to minus 8. और J 2.5 answer 2 cross 10 raised to minus 8 omega into meter. A wire has non-uniform cross-section as shown in the figure. A steady current is flowing through it. Then the drift speed of electron while going from A to B is what? आपको drift velocity find करना है A to B. Okay? So with what is the equation? Now D NAVDE implies VD equals to I upon NAE मतलब VD proportional to 1 upon A जहाँ पे A ज्यादा है वहाँ पे VD कम होगा inverse भी proportional है ना तो A जहाँ पे ज्यादा है वहाँ पे VD कम होगा और A कम है वहाँ पे गुंजन VD ज्यादा होगा ओके सो देखो अगर हम यहाँ से A to B की ओर जाते हैं तो A यहाँ पे कम है और यहाँ पे A cross section area ज्यादा है ओके तो मतलब कि lower value to higher value A के लिए तो VD के लिए क्या हो जाएगा उल्टा हायर टू लोअर मतलब कि हायर टू लोअर यानी कि डिक्रीज होगा ऑप्शन कौन सा आएगा डी सेवन द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज स्ट्रेच्ड टिल इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 100%
उसका लेंथ कितना परसेंट इंक्रीज किया गया है, 100% ड्यू टू दी कोसिक्वेंट डिक्रीज इन डायमीटर। जब आप लेंथ इंक्रीज करते हो तो डायमीटर क्या होगा, डिक्रीज होगा। द चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच्ड वायर विल बी, आपको रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा वो फाइंड करना है। देन सो रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू रो एल बाय, बट ए वाला नहीं चलेगा, रो एल स्क्वायर बाय ए एल, दैट मीन्स रो एल स्क्वायर बाय वी। रो एंड वी कॉन्स्टेंट हो गया, रेजिस्टिविटी एंड वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, और तब जाके आप आर प्रपोजनल टू क्या बोल सकते हो, एल स्क्वायर। नाउ आर टू अपन आर वन इक्वल्स टू एल टू अपन एल वन होल स्क्वायर। नाउ एल वन इक्वल्स टू सपोज एल, बट एल टू इक्वल्स टू एल तो था, उसमें कितना परसेंट, 100% इंक्रीज किया, तो 100 बाय 100 इंटू एल, तो 100 कैंसिल, इन शॉर्ट डबल कर लिया। 100% इंक्रीज करना, दैट मीन्स व्हाट, डबल करना, क्लियर है। आर टू अपन आर वन इक्वल्स टू टू एल अपन एल होल स्क्वायर कैंसल्ड, आर टू इक्वल्स टू 4R, बट आपको क्या फाइंड करना है, चेंज। सो डेल्टा आर इक्वल्स टू आर टू माइनस आर वन, 4R1 माइनस आर वन, हाउ मच आर वन, 3R1। सो डेल्टा आर अपन आर इक्वल्स आर वन इक्वल्स टू 3R1 अपन आर वन, आर वन आर वन कैंसल, ये तो रिलेटिव चेंज है ना। आप इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 300% चेंज हुआ। At what temperature would resistance of the copper conductor be doubled its resistance at 0 degree Celsius? कौन से टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस से? सो गिवन अल्फा फॉर कॉपर, इट्स नॉट प्रोपोर्शनलिटी, दैट इज अल्फा फॉर कॉपर, दैट इज 3.9×10⁻³ सेल्सियस इनवर्स। सो ओके, व्हाट इज द बेसिक इक्वेशन, आर थीटा इक्वल्स टू आर थीटा 0 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा 0। नाउ थीटा 0 0 डिग्री सेल्सियस बोला, आर थीटा, थीटा तो आपको फाइंड करना है, अल्फा कितना दिया गया, 3.×10⁻³, क्लियर है यहाँ तो? अब देखो आपको बोला है कि आर थीटा जीरो से क्या हो जाएगा, डबल, तब जाके आपको ये जो थीटा है वो फाइंड करना है। तो अल्फा थीटा माइनस थीटा जीरो कितना है, जीरो, फिर से एक बार पढ़ लो, एट व्हाट टेम्परेचर, टेम्परेचर फाइंड करना है, दैट मीन्स थीटा फाइंड करना है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर कंडक्टर बी डबल्ड इट्स रेजिस्टेंस एट अ जीरो डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस कितना होने वाला है, डबल, इसीलिए मैंने 0 डिग्री सेल्सियस पे आर थीटा 0 रेजिस्टेंस था उसका डबल यहाँ पे रखा है, क्या हो गया, कट, डिवीजन में जाएगा तो कट हो जाएगा। अब ये 2 बचा और ये 1 प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस अल्फा इंटू थीटा, देयरफॉर अल्फा इंटू थीटा इक्वल्स टू, थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 3.9×10⁻³, 0.25×10⁻³, 256.4 डिग्री सेल्सियस। यू आर गिवन एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, मतलब सेम टू सेम रेजिस्टेंस, ओके, each of resistance R omega, first they are connected in a such a way that the possible minimum value of resistance is obtained. पहले तो minimum value of resistance मिलना चाहिए, वैसे connection करना है, तो वैसा कौन सा connection है जब minimum value of resistance मिलता है, parallel connection, कौन सा connection है, parallel, तो parallel के लिए first one case is parallel connection, that is RP equals to small r था, smaller by n, अगर आप n number of resistance को parallel में connect करते, जैसे कि दो को करो, तो 1/r + 1/r कितना होगा, 2/r, उल्टा करोगे तो
आर बाई टू, दो थे तो टू आया, तीन है तो वन अपन आर प्लस वन अपन आर प्लस वन अपन आर, थ्री बाय आर उल्टा करो, ये है तो थ्री आया, वैसे एन है तो क्या आएगा आर बाय एन आएगा, देन आर बाय एन। नाउ नेक्स्ट वन, दे आर कनेक्टेड वे टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस। सेकेंड टाइम हम उसको मैक्सिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस मिले वैसे कनेक्ट करते हैं, तो वो सीरीज कनेक्शन होगा क्योंकि उसमें एडअप होता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर, ऐसे आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, हाउ मच टाइम एन टाइम्स, तो कितना हो जाएगा। सो सेकेंड केस में आर एस इक्वल्स टू एन इंटू आर स्मॉल आर, क्लियर है। नाउ आपको बोला है कि दोनों का रेशियो फाइंड करो, क्या करना है, द रेशियो ऑफ मिनिमम मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेंड। सो रेशियो बोला है आरपी अपन आरएस का, सो दैट इज आर बाय एन एन बाय आर, आर आर ए एन नीचे आएगा तो वन अपन एन स्क्वायर। नंबर टेन, पी एंड क्यू आर टू पॉइंट्स ऑन अ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर, एक यूनिफॉर्म रिंग है उसका कैपिटल आर रेजिस्टेंस है, वहां पे कौन से दो पॉइंट्स है पी एंड क्यू, ओ इज द सेंटर ऑफ द रिंग, इफ द पार्ट पी क्यू ऑफ द रिंग सस्टेंड एन एंगल थीटा एट द सेंटर ओ ऑफ द रिंग, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रिंग बिटवीन पी एंड क्यू, लेट रेडियस ऑफ द रिंग दैट इज आर एंड रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द रिंग दैट इज रो, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो न्यूमेरिकल समझो, ओके दिस वन इज ओ, रिंग हो गया, रिंग के दो पॉइंट, एक है पी और दूसरा पॉइंट है क्यू, अब इस दो पॉइंट में अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो हम करंट पी में से एंटर करेंगे, क्यू में से बाहर निकालेंगे, तो पी में से जब करंट एंटर हो रहा है तो पी इस जंक्शन फॉर्म हो रहा है, वो करंट क्या होगा डिवाइड होगा, फिर यहाँ से मूव करके एडअप होगा और फिर क्यू में से करंट डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स बोथ आर इन पैरेलल कनेक्शन, कौन से कनेक्शन में आएंगे पैरेलल, तभी तो डिवाइड हो रहा है ना। अब पहले तो आपको पर लेंथ रेजिस्टेंस दिया गया, वो कितना है रो, तो एक तो आपका मेजर मेजर आर्क है और दूसरा आपको माइनर आर्क है, तो सपोज यहाँ पे एम पॉइंट ले लेता हूँ और यहाँ पे एन पॉइंट ले लेता हूँ डिफरेंट करने के लिए। सो सपोज आपको आर पी एम क्यू फाइंड करना है, कौन सा आर पी एम क्यू, तो रो इंटू एल पी एम क्यू करना पड़ेगा क्योंकि रो इज व्हाट रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तभी रेजिस्टेंस मिलेगा ना, वन मीटर का रेजिस्टेंस टू ओमेगा है तो थ्री मीटर का कितना होगा सिक्स होगा, वन मीटर का टू है तो थ्री का कितना, तो वन मीटर का टू दैट इज रो और थ्री मीटर इज द लेंथ, टू इंटू थ्री किया आपने, वैसे रो इंटू एल एम पी क्यू करना पड़ेगा, एल पी एम क्यू करना पड़ेगा, मतलब कि आप मेजर आर्क का मेजरमेंट लोगे। अब देखो उसके लिए आपको क्या हिंट दिया है, ये एंगल कितना है थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा टू पाई माइनस थीटा, क्लियर हो गया था 360 माइनस थीटा दैट मींस 2 पाई माइनस थीटा। नाउ व्हाट इज द एल, एल दैट इज द लेंथ ऑफ आर्क, आर्क इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल, सो रो का रो रेडियस कितना दिया है आर और एंगल कितना है 2 पाई माइनस थीटा। नाउ आर पी एन क्यू इस पाथ के लिए वो अगेन क्या आएगा रो इनटू एल पी एन क्यू, रो आर उसका एंगल कितना है, ये छोटे से आर्क के लिए एंगल कितना है थीटा, बड़े आर्क के लिए एंगल कितना था 2 पाई माइनस थीटा, बोथ आर इन विच कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन, तो आर इक्वल्स टू आर पी एम क्यू इनटू आर पी एन क्यू अपन आर पी एम क्यू प्लस आर पी एन क्यू। आप डायरेक्ट प्रोसीड कर सकते हो, मुझे पढ़ाना है इसलिए मैंने फॉर्मूला लिखा, बाकी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ये कौन सा फॉर्मूला है R1 R2 अपन R1 प्लस R2,
चलो वैल्यू पुट करते हैं, रो आर टू पाई माइनस थीटा इंटू रो आर थीटा, डिनोमीटर में रो आर टू पाई माइनस थीटा प्लस रो आर थीटा। अब देखो इसमें से अगर डायरेक्ट एक स्टेप कर लूं, चलो तो आपको समझ में नहीं आएगा, रो आर टू पाई माइनस थीटा रो आर थीटा सब मल्टीप्लिकेशन में वहां पे, बट नीचे जो है रो आर कॉमन निकल सकता है, यहां से क्या बचा टू पाई माइनस थीटा, यहां से रो पाई निकलने के बाद प्लस थीटा, एक रो आर क्या हो जाएगा कैंसल, और टू पाई माइनस थीटा प्लस थीटा, माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसल। अब देखो रो क्या था, रो इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, आपको बोला गया है टोटल रेजिस्टेंस रिंग का कितना है कैपिटल आर, टोटल रेजिस्टेंस कितना है कैपिटल आर, सो मुझे यहाँ पे आर नहीं ले सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा आर। अब टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर बोला है तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कैसे मिलेगा, टोटल रेजिस्टेंस पर टोटल लेंथ, टोटल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल लेंथ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मिलेगा। नाउ व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रिंग 2 पाई आर, तो रो की जगह पे ए वैल्यू रखना है, सबसे पहले तो 2 पाई माइनस थीटा, रो की जगह पे क्या रखूं आर अपॉन 2 पाई आर, और ए वाला क्या बचा आर थीटा, और नीचे क्या बचा 2 पाई, सो आर आर कैंसल, बचा आर थीटा अपॉन 4 पाई स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर, और ए वाला ब्रैकेट 2 पाई माइनस थीटा, पहला ही ऑप्शन है।